बीजेपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का है और इसी वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से यूपी दौरे पर जा रहे हैं। 28 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहारनपुर और अमरोहा के दौरे पर जाएंगे और बीजेपी खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटें जीती जा सके और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इससे पहले गाजीपुर दौरे पर गए थे और गाजीपुर वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था और इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरोहा और सहारनपुर दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। चूंकि 14 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी को हार मिली थी और बीजेपी चाहती है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आए और इसी वजह से लगातार मंथन 14 सीटों को लेकर किया जा रहा है और 28 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमरोहा और सहारनपुर दौरे पर जाएंगे। वहां पर तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।